हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू द स्टडी। और आज के फिर से एक नए अनदर वीडियो में क्या कर लेंगे भाई, न्यू वीडियो में रया का जो रीजनिंग होता है उसकी प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। डेली में 20 करवा रहा था लेकिन आज 25 क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ। ओके, तो 25 क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बात करने में, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। और आपको करना क्या है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इन सब का, ठीक है। चलो, इससे टाइम बचेगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईमानदार सच्चा, ठीक है। ईमानदार का रिलेशन सच्चा से है तो जिद्दी का रिलेशन किससे होगा, तो ईमानदार और सच्चा क्या है बताओ, ये जो है ऑनेस्ट या फिर ट्रूथफुल, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स टाइप के है। क्योंकि जो सच्चा कब होगा, जब वो ईमानदार होगा। कब ईमानदार कब होगा, जब वो सच बोलने वाला होगा। झूठ बोलने वाला तो बेईमान होता है। वही चीज़ एक दूसरे के एक तरीके से ये सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो जिद्दी बताओ, जिद्दी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे वोकैबुलरी भी आपका ठीक हो जाएगा, ट्रूथफुल सच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिद्दी का इंग्लिश मिल गया। अब्ड्यूरेट, अब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। वैसी क्या हो जाएगा, हठी, हठी का मतलब क्या होता है, अडामांट, मतलब कठोर, जो बात को मानना मानने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी जो है एंटोनिम्स टाइप के शो करते हैं, मतलब जो है सिनोनिम्स एंटोनिम कहने का मतलब ये वोकैबुलरी से नहीं है, मतलब विपरीत और समानार्थक बोलते हो जिसको पर्यायवाची बोलते हो। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। दो नंबर देखो, एफ जी एच है, तो वाट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर एस और एस यू भी, तो इसको कैसे रिलेशन निकालेंगे भाई। तो क्यू में कितना हमने जोड़ा तो एस आया, क्यू 17 नंबर पे होता है ना, दो जोड़ा तो एस आ गया, 19 आ गया एस, ठीक है भाई। क्यू के बाद आर होता है तो जाहिर सी बात है कि 18 नंबर पे होगा। तो 18 में कितना जोड़ा हमने, आगे 3 जोड़ा तो 21 आएगा, ठीक है। तो यूज होता है 21 नंबर पे होता है। वैसे एस जो होता है 19 नंबर पे होता है, 19 में 4 जोड़ा हमने तो ये 23 आ गया, 23 आ गया, तो ये डब्लू आ गया। वैसे ही आपको एफ में पहले 2 जोड़ना है, ठीक है, 6 2 8, तो 8 नंबर पे कौन सा आता है बताओ, एफ नंबर पे एफ जी एच आता है ना। चलो, फिर आपको उसमें 3 जोड़ना है तो जाहिर सी बात है एच आई जे, ठीक है। एच के बाद क्या हो जाएगा भाई, जी के बाद एच आई जे, तो तीसरे नंबर पे जे आता है, ठीक है। एच के बाद आई जे के एल, चौथे नंबर पे एल आता है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पहले 2 फिर 3 जोड़ो फिर 4 जोड़ो। फिर देखो सी में क्या हो जाएगा, सी डी ई है, फिर बोल रहा है एक्स डब्ल्यू वी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू पी ओ, तो यहाँ पे मैंने फिर से बोला था कि अपोजिट वाला मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। अपोजिट क्या होता था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर रीजनिंग के वीडियो में। सी और एक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 27 आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये अपोजिट होगा। जैसे ए एक नंबर पे होता है, जेड जो होता है 26 नंबर पे होता है, ये दोनों एक दूसरे के ना फर्स्ट और लास्ट, तो एक दूसरे के अपोजिट हुए तो जोड़ने पे 27 आ गया। वैसे ही है एम और एन, ठीक है। तो ये क्या भाई, 13 नंबर पे 13, ये 14, इनको जब भी जोड़ेंगे तो ये क्या आ रहा है 27। तो एम और एन जो है अल्फाबेट में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। जिनको भी दो को जोड़ने पर 27 आ जाए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे ही हम तीसरे में जोड़ेंगे, सी में 3 और ये होता है एक्स 24 नंबर पे, तो 27 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही डी और डब्ल्यू को जोड़ने पर 27 आएगा, ई भी को जोड़ने पर 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है, क्यू में कितना जोड़ोगे तो 27 आएगा। क्यू कितने नंबर पे होता है, 17 नंबर पे, तो 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 27 होगा। तो 10 नंबर पे जो होगा तो इधर के वाले का फर्स्ट लेटर वही होगा, ठीक है, तो जे होगा ना, जे 10 नंबर पे होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो, अब सेंस लगाओ थोड़ा सा, उसमें कुछ करना नहीं है। फोर नंबर देखो, फोर में क्या है, 2 10 3 वाट, 2 10 3 वाट, तो इसमें क्या होना चाहिए डियर। तो देखो, 2 के बाद क्यूब किया गया है प्लस 2 जोड़ दिया गया है, 8 प्लस 2 10 हो गया, ठीक है। वैसे ही 3 का क्यूब प्लस 3 जोड़ दिया गया, जितने का क्यूब कर रहे उतना ही जोड़ रहे हैं, 27 प्लस 3 30, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से बोल रहे हैं सेलेक्ट द ऑड वर्ड या लेटर नंबर, जो भी है यहाँ पे पेयर जो है जो डिफरेंट है, इन सब में से आपको सेलेक्ट करना है उसमें से, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, तो ये क्या है, हठी, ठीक है। हठी मतलब अडामांट, मैंने ऊपर बताया, दृढ़ मतलब टेनेसियस, जिद्दी स्टबर्न उदार लेनियत, ठीक है। तो ये सभी जो है हठी, अडामांट, टेनेसियस और स्टबर्न, ये स्टबर्न, ठीक है, ये सभी जिद्दी वाले वर्ड का ही सिनोनिम्स है, ठीक है, मतलब पर्यायवाची वर्ड है। और उदार जो होता है, वे विनम्र होने वाला इंसान को उदार कहते हैं, जो कि हमेशा अच्छे सोच वाला हो, किसी के सामने झुकना भी जानता हो, उसको उदार कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट यही है, अब बाकी ये सो घमंडी लोगों को बोलते हैं। अब 6 नंबर देखो, एक्स ए डी, ठीक है, और पी आर यू, तो पी के बाद क्या होता है भाई, क्यू होता है, तो आर, एक का गैप है, आर के बाद एस टी, मतलब इस देखो पी और आर के बीच में
क्यू को गायब किया गया है, एक चीज को गायब किया गया है, आर और यू के बीच में दो चीज को गायब किया गया है, एस और टी को, वैसे ही ए और सी के बीच में एक चीज बी को गायब किया, और सी और एफ के बीच में डी और ई को दो चीज को गायब किया गया है, तो ये सेम दो आ रहे हैं भाई। जे के बीच में के को गायब किया गया है, फिर एल और एम ओ, एल ओ के बीच में एम एन को गायब किया गया है। चलो ये तीसरा भी रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन एक्स के बाद वाई जेड, ठीक है, तो दो को पहले ही गायब कर दिया गया है एक्स के बाद, ठीक है। और इसमें भी देखो बी सी दो दो का गैप है इसके बीच में, तो ये डिफरेंट हो गया। फिर सात नंबर में देखो तीन के बाद क्या, 25 है, 325 है, 428 है, 177 है, 326 है, कैसे आंसर आया? तो जाहिर सी बात है तीन, ये देखो तीन दूनी छः हो गया, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया हमने तो, और 1 × 7 इक्वल टू डी में 7 हो जाएगा, बी में 4 × 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, 428 का हो गया ना, 4 × 2 = 8। अब ये जो फर्स्ट वाले के 3 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 होना चाहिए ना, तो 5 दिया हुआ है। और ऐसे आप बोलते हो कि तीन और दो को जोड़ने पे 5 आ रहा है अगर, तो सब में हम जोड़ के देख लो, नहीं वैल्यू देगा, 4 × 2 छोड़ने पे 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे 8 है। तो वही फॉर्मूला जो है पहले दो वाले को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा वैल्यू दे रहा है इन तीनों में, जो कि इसमें नहीं दे रहा है, ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर आठवें में देखो 532 है, 111 है, 413 है और 541 है, तो इसमें भी कुछ कुछ करके देखो भाई क्या आ रहा है इसका आंसर। तो इसमें भी हमने जब कुछ कुछ करके देखा तो इसमें देखो क्या आ रहा है हमारा, ये 5 और पहले, और इसमें देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा वैल्यू हमारा फर्स्ट और लास्ट वाले को, ठीक है। और इसमें भी किसी दो को माइनस करने पे क्या आ रहा है भाई, वो वैल्यू दे रहा है। 4 में से 3 को माइनस करो 1 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करो तो 4 आ जाएगा, लेकिन हम इसमें 111 में 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे 101 होना चाहिए था, जो कि 111 है। तो राइट आंसर यहाँ पर मतलब डिफरेंट ये है, 8 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब आगे जरा देख लेते हैं ये 9, 10, 11, वीडियो को रोक के जरा आप लोग सॉल्व कर लेना इसको एक बार। देखो ये जो 9 नंबर उसी को याद होगा जिसको पर्वतों के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ हाइट किसकी है, ज़्यादा है, कौन क्या है, ठीक है, जो जो हाइट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो इसको अगर आपको नहीं याद है तो टेंशन मत लेना, ये आपके एग्जाम में इतना टफ लेवल का नहीं पूछेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको पहाड़ों के बारे में हाइट वगैरह सबको याद करके रखना, अभी आप लोगों को याद नहीं होगा सबका, ठीक है। तो 10 नंबर देखो GHI है, नेक्स्ट है हमारे पास वाट, ये आपके एग्जाम से थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, बस सर थे आपको लग रहा है कि ईजी है, आपको एग्जाम में पता है ये इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में यही सारा क्वेश्चन जो है ना प्रेशर के साथ दिया हुआ रहता है, टाइम कम रहता है ना, तो आप प्रेशर में रहते हो, तो जो आ रहा होता है वो भी गलती करते हो, और वही क्वेश्चन मैं उसी लेवल का जब मैं देता हूँ तो बोलते हो तो बहुत ईजी है, वही ईजी सा क्वेश्चन आप जब एग्जाम में जाते हो बनाने तो नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर मेंटेन नहीं होता आपसे, और यहाँ पे ईजी लगता है आपको। आप एग्जाम देखे आना, बोलोगे इस नहीं सर आपने जो पढ़ाया था वो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में है। ओके देखो GHI TUB और BCD ये कैसे हुआ भाई, तो देखो यहाँ पे गैप है एक चीज़ का, गैप है ना, GHI के बाद देखो वाट का चिन्ह है, फिर आगे क्या भाई TUB, तो हम अगर इन दोनों से रिलेशन निकाले तो नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है कि लास्ट वाले दोनों से रिलेशन निकालते हैं TUB, ठीक है, BCD, तो TUB कंटिन्यू हुआ, BCD कंटिन्यू हुआ, लेकिन ये दोनों के इसका लास्ट और इसके फर्स्ट के बीच के गैप देख लो, बी के बाद क्या आया भाई, यू बी के बाद क्या होता है भाई WXYZA, उसके बाद बी से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कितने को गायब किया गया, तो WXYZA 5 चीज़ को गायब किया गया ना, 5 लोगों को गायब किया गया, मतलब इसके भी और इसके बी के बीच में 5 लोगों का गायब किया गया है, ठीक है भाई। तो अगर हम इसको देखते हैं, इधर पीछे जाते हैं, आई के बाद अगर हम 5 लोगों को गायब कर दें ना, अब इसके बाद हम सॉल्व करें ना, आई के बाद 5 लोगों को गायब करेंगे तो J, K, L, M, N और O, ठीक है, इन लोगों को गायब कर देते तो स्टार्ट होना चाहिए था पी से, ठीक है, तो पी से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है कि जब ये 5 से 5 का डिफरेंट है तो इसके पीछे कुछ कम का डिफरेंट होगा, इसके पीछे कुछ कम का डिफरेंस होगा, और तो हम पीछे डिफरेंस करके देखते हैं भाई, तो यहाँ 5 का डिफरेंस था तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस करके देखते हैं तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई के बाद J, K, L ये 3 को डिफरेंस करो, ठीक है, छोड़ दो, गैप कर दो, तो MNO आना चाहिए इसमें, ठीक है, क्यों भाई MNO जब हमने किया यहाँ पे, तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर हमने MNO रखा तो TUB आता है कि नहीं 4 को गायब करके, तो O के बाद क्या आएगा भाई PQRS, ठीक है, तो फिर क्या आ गया हमारा लास्ट में, 4 को गायब किया तो TUB आ गया, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 3 को गायब, फिर 4 को गायब, फिर 5 को गायब, इसलिए क्योंकि एक सीरीज अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहता है भाई यहाँ पे,
तो इस क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए, बिकॉज इजी सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे डी ई है और जे की है, इसके पीछे पूछ रहा है कि फर्स्ट वाले में क्या होगा। ठीक है छोड़ो, फर्स्ट वाले को गोली मारो। यहाँ पे देखो वाई जेड कंटिन्यू आता है, डी ई भी कंटिन्यू आता है, जे के भी कंटिन्यू आता है, तो यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट वाले का डिफरेंस देखो, वाई जेड और डी ई के बीच में जो क्या क्या डिफरेंस है तो ये देखते हैं। जेड के बाद ए बी सी और चौथे नंबर पे डी, तो तीन चीज को छोड़ा गया है। ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनके बीच में जो है तीन लोगों का डिफरेंस है। ओके अब डी ई और जे के बीच में देखो लिखते हैं भाई सी, सॉरी ई था ना, एफ जी एच आई, उसके बाद चौथे नंबर पे पांचवें नंबर पे जे आता है, तो चार लोगों का गैप है, मतलब डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है अब यहाँ चार लोगों का गैप है, मतलब पहले इनके बीच में तीन का, इसके बगल में चार का, तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच में दो का गैप होगा, तभी ना दो तीन चार का एक सीरीज चलेगा। ठीक है भाई तो वाई के पहले दो बार जाएंगे तो क्या होगा ये बताओ, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे लास्ट में भी होगा, तभी ना डब्ल्यू एक्स छूटेगा लास्ट में, दो छोड़ेंगे क्योंकि वाई से पहले दो चीज़ को छोड़ना है हमें, तो वाई से पहले डब्ल्यू एक्स आता है दो। ठीक है उसके फिर क्या आ जाएगा भाई, भी आएगा, तो भी लास्ट में किसके है भाई, लास्ट में भी इसके है, तभी तो यू भी लिखेंगे, तो लास्ट में यहाँ पे दो दो लोगों को छोड़ेंगे डब्ल्यू एक्स को, तो फिर वाई से स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, अब तो आ चुके हम नेक्स्ट पेज पे, तो जल्दी से देखते हैं इसमें क्या है भाई, वीडियो को रोक के इन सभी 12 13 और 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर लो। ठीक है मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ सीधे आंसर पे, देखो 2 3 7 16 है यहाँ पे, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7 16 फिर आया, तो नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा, तो वैसा ही सीरीज आपकी जो है सीरीज जो है आपकी एग्जाम में दिया जाता है, फिर यहाँ पे 0.5 2 3.5 फिर यहाँ पे पूछ रहा है वाट, फिर है 6.5, ये सीरीज कैसे कंप्लीट होगा, इजी सा सीरीज है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कभी कभार आपको। तो देखो 2 के बाद 3 आया, सही बात है, लगता है कि भैया 1 जोड़ दिया। ठीक है फिर 3 के बाद जब 7 बोलते हैं तो लगता है कि 4 जोड़ दिया गया है। ठीक है पहले 1 जोड़ा है, फिर 3 के बाद 7 में तो 4 जोड़ा है, फिर 7 के बाद कितना जोड़ा भाई, तो 9 जोड़ा है, तो ये कैसे जोड़ रहा है फिर, तो 16 में हम क्या जोड़े, देखो ये क्या है 1 का स्क्वायर है, ठीक है ये क्या भाई 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, तो चलो ना आगे हम 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 32, राइट आंसर सी। अब मतलब 2 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो देखो यहाँ पे 3 आ गया, फिर 3 में 3 का सॉरी 3 में 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 दिया सॉरी 3 में हमको 2 का स्क्वायर जोड़ना है ना, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। ठीक है चलो फिर हमें 7 में 4 का स्क्वायर 7 में 3 का स्क्वायर जोड़ना है, तो 7 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा 16, फिर 16 में हमें 4 का स्क्वायर जोड़ना है, तो 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं चल गया था आउट ऑफ साइड, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है अभी देखो 13 नंबर क्या है, 0.5 है, 2 है, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया था, तो 0.5 के बाद 2 आया, कैसे आया 0.5 में आप कितना ऐड करोगे, 1.5 ऐड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा भाई ये 0 और ये एक हासिल आया, तो इधर 2 हो गया, तो 2 आंसर आ गया, या फिर 2.0 बोलो तो उसको हम 2 बोल सकते हैं। ठीक है अब 2 में 3.5 आ गया, तो कैसे आ गया भाई 3.5 में 2 को माइनस करेंगे तो 1.5 आता है, जाहिर सी बात है इसमें भी 1.5 को ऐड किया है, मतलब पूरी सीरीज में 1.5 को 1.5 को मैं आधा हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ 1.5 को ऐड किया गया। ठीक है तो अब 3.5 में हम 1.5 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई हमारा 5, तो यही है ना 5 5 10 का 0 और ये 4 और एक हासिल 5। ठीक है तो हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा मोनिका रितिका वाला, तो ये क्या बोल रहा है, मोनिका जो है रितिका जानवी प्रिया और रिया से दोस्त है इन सबकी। ठीक है अभी देखो जानवी जो है रितिका से तेज किंतु प्रिया से धीमे दौड़ती है, यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ना, तो जानवी के बारे में बात किया जा रहा है ना, ये जानवी जो है किससे तेज दौड़ती है, ये रितिका से, तो आर आई लिखते हैं रितिका से तेज दौड़ती है, रितिका को नीचे रखते हैं जानवी उसके ऊपर तेज दौड़ती है, तो तेज किंतु प्रिया से धीमे, मतलब प्रिया जो है जानवी से तेज दौड़ती है। ठीक है चलो प्रिया तेज दौड़ती है, फिर आगे बोल रहा है मोहन सबसे धीमा दौड़ता है, ये तो बेचारा पहले सरेंडर है कि मोहन सबसे नीचे होगा, और रिया और प्रिया से तेज दौड़ती है, तो फिर और क्या बोल रहा है, रिया जो है प्रिया से तेज दौड़ती है, तो प्रिया ऊपर में तो रिया उसके ऊपर में भी चल जाएगी, रिया जो है वो प्रिया से तेज दौड़ती है। ठीक है तो इन पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि रिया सबसे ऊपर में तो वो सबसे तेज दौड़ती है, इजी सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलो ये सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा आता है,
आपसे लंबाई के बारे में पूछ लेगा, ये इतना लंबा है, वो उससे इतना लंबा है, ये इतना छोटा है, ठीक है, ये क्लास में इस स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसा करके कुछ पूछेगा, तो आपको मैं करा लूँगा और भी क्वेश्चन कराऊँगा आगे, समझ में आ जाएगा आपको। अब ये डिक्शनरी वाला ये फंडा है, तो आप डायरेक्ट इसको देखना कौन सा होगा भाई, बिगायल का बी ई है, फिर बिगन का बी ई है, फिर बी आई है, बी आई है, बाइगैमी और बाइगॉट में। जाहिर बात है कि बी बी जब सब शुरू में बी है, और सेकंड में इसमें ई है, ई है, और इसमें आई है, ये तो पहले ई आता है ना, तो पहले एक या फिर तीन में कोई आएगा, ठीक है, एक या तीन में पहले कोई आएगा, तो कौन सा आएगा भाई, तो बिग बेग बेग और यू, मतलब यू तक तो सेम सेम है, ठीक है, उसके बाद पहला कौन सा हो जाएगा, आई या फिर एन, तो जाहिर सी बात है पहले क्या आता है भाई, आई आता है, तो पहले एक नंबर होगा फिर तीन नंबर होगा, एक नंबर फिर तीन नंबर, ओके। अब दो और चार में देखते हैं, तो बिग इसमें भी है, बिग इसमें भी है, तो इसको छोड़ो आगे देखो, बिग के बाद इसमें ए है और इसमें ओ है, तो जाहिर सी बात है पहले ए आता है, तो मतलब एक जो हो जाएगा, फिर तीन हो जाएगा, फिर चार हो जाएगा, फिर हमारा लास्ट में दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है, एक तीन चार दो। अब ये कैसे आया, अब इसके लिए मैंने पूरी क्लास में बता दी थी आपको, प्लेलिस्ट बना रखा है, देख लेना आप जाके पूरी क्लास कर लेना। अभी आप देखो एक बोल रहा है कि विशिष्ट कोड में या फिर कोडिंग में बोल रहा है किसी लैंग्वेज में, रेनबो को 1987645 लिखा जाता है, स्नैप को 3790 लिखा जाता है, तो पियानो को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो देखो आर को एक लिखा गया है, ए को 9 लिखा गया है, ऐसे आप समझ लेना, एस को 3 लिखा गया है, पी को ओ लिखा गया है, मतलब हर एक लेटर के बारे में कोडिंग किया गया है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करने वाला, ऐसा नहीं है कि एस को दो बार लिखा गया, नहीं, एस को दो बार रिपीट भी है तो उसका डिजिट सेम लिखा गया है। वैसे पियानो में देखते हैं पी है शुरुआत वाला चीज, तो स्नैप का लास्ट लेटर जो है पी है और इसमें ओ है, तो मतलब पियानो का पहला चीज ओ, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, 3790 में, ठीक है, और लास्ट में ओ है, तो लास्ट में ओ है ना, तो देखो ओ को क्या यहाँ पे रेनबो का सेकेंड लास्ट जो है ओ है, और इसका जो है चार है ओ का वैल्यू, तो शुरू में जीरो और लास्ट में चार होना चाहिए, तो किसमें है भाई शुरू में जीरो और लास्ट में चार, तो 16 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी था नहीं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सिलोलिम से है, तो ये जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग बोलते हो अदर एग्जाम्स के लिए, तो अदर एग्जाम्स आएंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैंने एक दो बार वीडियो में कराया था तो लोग भड़क रहे थे, बोल रहे थे सर ये नहीं आता, ऐसे नहीं है, बहुत कमेंट कर रहे थे, तो मैं छोड़ रहा हूँ उसको। अब ये ट्रिक नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, सिलोलिम्स आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, बाकी अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं एयरफोर्स को छोड़ के, ग्रुप डी देना हुआ, मतलब रेलवे का एग्जाम देना हुआ, एसएससी का एग्जाम देना हुआ, तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर जो है, यदि ए का अर्थ गुणा है, ठीक है, और बी का अर्थ घटाना है, तो सी का अर्थ जोड़ना है, तो डी का अर्थ भाग है, मतलब जहाँ पे ए दिख रहा है इस वाले इक्वेशन में, वहाँ पे जोड़ का चिन्ह, सॉरी गुणा का चिन्ह रख के सॉल्व करो, बी जहाँ दिख रहा है वहाँ घटा माइनस का चिन्ह रखो, सी जहाँ दिख रहा है वहाँ पे प्लस का चिन्ह रखो, डी जहाँ दिख रहा है डिवाई का चिन्ह रखो और इसको सॉल्व करो। मैंने ये करा दिया है, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो फाइनली आंसर बता दूँ आपका 89 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आप लोग देख लेना, ओके। चलो अभी देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो भाई ये जो है जूम करने के लिए बोल रहा है सबसे पहले, तो क्योंकि छोटा छोटा चीज़ है, एक्स जेड जेड डैश है बीच में, फिर डैश एक्स एक्स डैश जेड, फिर वाई एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स के बाद क्या होता है, वाई होता है, तो एक्स वाई जेड, तो पहले वाई को हमने फिल किया, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब वाई किस में पहले आ रहा है भाई, सी में आ रहा है, ठीक है, तो ये देख के हम डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, लेकिन आगे हमें देखना होगा, तो ये तीन पेयर बना एक्स वाई जेड का, ओके। चलो फिर तीन देखते हैं, तो जेड डैश एक्स, तो ये भी होता है एक्स वाई जेड, इस बार उल्टा है ना, नीचे पीछे की तरफ से पढ़ा जा रहा है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे भी वाई फील हो जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड, इस बार सीधा सीरीज बन रहा है, फिर यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे जेड फील हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक बार सीधा तीन का सीरीज बन रहा है, फिर तीन का उल्टा सीरीज, फिर तीन का सीधा सीरीज, तीन का उल्टा एक्स वाई जेड, फिर पीछे से एक्स वाई जेड का सीरीज बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को फिल कर दोगे वाई वाई जेड को, जहाँ भी ब्लैंक का चिन्ह दिख रहा आपको, तो राइट आंसर आपका मिल जाएगा। अब बोलोगे क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं दे रहा है, तो वीडियो को रोक के पढ़ो ना, इसलिए तो मैंने लाइव क्लास छोड़ दिया, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्वेश्चन कम हो रहा था। अब देखो रामपुर दिस्ट, यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ लेना, ठीक है, राम ट्रेवल्स टू आर डिस्ट, या फिर जहाँ भी है जो भी है, ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, राम पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चलाओ उसको भाई 5 किलोमीटर, ये ईस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर, अभी रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, राम जो है 5 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट में, ओके सही है, फिर वो बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, लेफ्ट ऊपर में है ना, 10 किलोमीटर भगा रहे हैं इस बार उसको, ठीक है, ऐसे 5 और ये 10, ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है, मतलब फिर राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो भाई उसको फिर से भगाओ 5 किलोमीटर,
ये भागने दो इसको, फिर अंत में वो फिर से दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं इस बार नीचे की तरफ मुड़ेगा साउथ की तरफ, तो दाएं मुड़ जाएगा। 10 किलोमीटर चल रहा है यहाँ पे, वो अपने मूल स्थान से मतलब ए पॉइंट पे था यहाँ से, अभी जो है फाइनली बी पे पहुँच चुका है। तो बी पे कितना डिस्टेंस पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कहाँ कितना है इसका, तो एक तो यहाँ से 5 किलोमीटर हुआ और ये जो पैरेलल है इसके 5 किलोमीटर ही है, तो 5 + 5 कितना हो गया भाई 10 किलोमीटर। हिंदी से क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलो ओके, अभी देखो 21 नंबर क्या बोल रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में कि इन सब में से डिफरेंट आपको चुनना है, जो डिफरेंट है इनमें से, अमेरिका है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है। कुछ लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान आंसर करेंगे भाई, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो इस जो है अपने व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, मानते पाकिस्तान घटिया देश है, लेकिन ये भी समझ सकते हो कि ये अमेरिका को छोड़ के बाकी सब एशियाई कंट्रीज है, ठीक है, और एशिया को छोड़ के बाकी सब, सॉरी अमेरिका को छोड़ के बाकी सब एशियाई कंट्रीज है, सो अमेरिका यहाँ पे सबसे डिफरेंट है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। लाइक लवर, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान को यहाँ पे आंसर करते, लेकिन अफसोस कि आप गलती आंसर करते। अभी देखो यहाँ पे अकरम साहिद का बेटा है, ठीक है, अकरम जो है साहिद का बेटा है, साहिद की बहन जूली को एक बेटा जिशन और एक बेटी याना है, ठीक है, यहाँ पे नाम ऐसा है कि थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो साहिद की बहन एक जूली को एक बेटा है, ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम बनाते जाते हैं। अकरम जो है साहिद का बेटा, ये साहिद है और इसका एक बेटा जो है अकरम हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह दो क्योंकि ये बेटा है अकरम, ठीक है। चलो, ये साहिद की बहन जूली को एक बेटा, मतलब साहिद की एक बहन है, इसकी एक सिस्टर है, मान लो उसको हम माइनस से मार्क करते हैं, साहिद की बहन को हमें पता नहीं है उसका नाम, इसलिए इसकी जो है एक बेटा जिशन, जिशान है ये, जिशान, और एक बेटी याना है, ठीक है, और एक बेटी जो है ये माइनस है बेटी, और ये जिशान जो है प्लस बेटा है, तो बताओ जेबा जो है जिशान की माँ है, तो जिशान की माँ कौन है भाई, साहिद की बहन है ना, तो इसका नाम मतलब क्या भाई, जेबा है, अभी क्लियर हो गया, इस लड़की का नाम जेबा था, तो हमने जे ई बी से लिख दिया, ठीक है, तो इसकी माँ है, सॉरी माँ की बहन है, जेबा जो है जिशान की माँ की बहन है, क्वेश्चन मुझे पूरा पढ़ना चाहिए था, तो मतलब अभी तक इस लड़की का जो है नाम पता नहीं चल पाया कि क्या है, ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे जेबा जो है इसकी जाहिर सी बात है कि ये जिशान की और याना की मौसी हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो बोल रहा है कि जेबा से कैसे संबंधित है याना, ठीक है, याना जो है जेबा से कैसे संबंधित, तो जाहिर सी बात है याना और जिशान की मौसी है जेबा, ठीक है, तो जेबा कैसी होगी याना की, क्या हो जाएगी भाई, ये भांजी हो जाएगी, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा पूरा पढ़ना चाहिए था हमें कि जेबा जिशान की माँ है, हमें मैंने यहीं पे पढ़ लिया था कि माँ है, लेकिन पूरा क्वेश्चन है माँ की बहन है, जाहिर सी बात है कि इसकी माँ की बहन जो है कि जेबा है, तो इसकी मौसी हो गई, किसी की भी माँ की बहन उसकी बच्चे की वो मौसी हो जाती है, तो मौसी से उसका रिलेशन कैसा हुआ, वो भांजा हो गया या फिर भांजी हो गई, ठीक है, अगर मेल है तो भांजा, फीमेल है तो भांजी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब ये नाम कुछ ऐसा था ना कि पढ़ने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक अनुक्रम दिया हुआ है, उसमें से एक जो है लुप्त है, यहाँ पे फाइनली ये बोलूँ कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो कि इसको पूरा करना है, उतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम में, डायरेक्ट समझ लेना चाहिए कि देखो बीज है, अंकुर है, पौधा है, फूल है, तो नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बीज अंकुरता है तो उसमें से पौधा निकलता है, फिर फूल आता है, फूल जब बनता है तो फूल के बाद क्या होता है, फल निकलता है ना। चलो राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रूट, क्योंकि फल का निर्माण ही होता है फूल से, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे फिर से वही डिक्शनरी वाला हाल हो गया, ए पी ई आर टी, मतलब ये मैंने ये पढ़ रहा है, ए पी ई है, इसमें ए डबल पी है, ए डबल पी, ए डबल पी, जाहिर सी बात है कि ए पी ई पहले आएगा तो एक से ही स्टार्ट हो जाएगा, ओके, फिर ए डबल पी और एल इसमें कॉमन है, फिर ए डबल पी एल कॉमन है, ए डबल पी ई है, तो पहले एल आएगा कि ई आएगा, जाहिर सी बात है कि पहले ई आएगा, तो एक के बाद क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए, तो एक के बाद चार किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सेंस लगा रहा है यहाँ पे। और अभी का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, हाँ अभी का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ए का वजन जो है सी से ज़्यादा है, वही चीज़ है सिटिंग अरेंजमेंट, मैंने उस टाइम जो पढ़ाया था रिया वे नाम कुछ था उससे रिलेटेड है ये, ए का वजन जो है सी से ज़्यादा है, तो ए को ऊपर रखो सी को नीचे रखो, ठीक है। अब आइए क्या बोल रहे हैं, ए का वजन जो है दूसरा सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक में दूसरे नंबर पे है, ठीक है, ई का वजन ए से ज़्यादा है, ठीक है, ई का वजन ए से ज़्यादा है, बी का वजन जो है डी से ज़्यादा है, तो देखो अब ये इनमें से सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा, तो आप बोलोगे कि क्लियर नहीं है, क्लियर तो है ना, क्योंकि ए का वजन जो है दूसरा सबसे ज़्यादा है,
तो दूसरे नंबर पे ए हो जाएगा क्योंकि बोला गया कि ई का वजन ए से ज्यादा है, तो ई सबसे हाईएस्ट पे है। क्यों हाईएस्ट पे है ये पूछने वाली सवाल है, क्योंकि बोला गया कि ए दूसरे नंबर पे है, तो ए से ऊपर कोई भी जब भी कोई चला जाएगा तो वो सबसे टॉप वाला कहलाएगा, क्योंकि ए दूसरे नंबर पे, उसको रखना ही कंपल्सन है हमारा, कंपल्सन मीन्स मजबूरी है हमारा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ए के ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला कहलाएगा, तो ये जो है ई का वजन जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा, हमें बी डी से कोई मतलब नहीं है, सीधे हमें ए से ऊपर फाइंड कर लेना है कि कौन सबसे ज़्यादा वजन वाला है, क्योंकि ए के बारे में यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में कि ए का वजन दूसरा सबसे, सेकंड जो है इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप, ए हैज़ द सेकंड हाईएस्ट वेट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब मैं क्लास का सेकंड हूँ तो मेरे ऊपर जो होगा वो फर्स्ट होगा, तो उसमें आप खोजने की जरूरत नहीं है, थर्ड फोर्थ के बारे में कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है अगर फर्स्ट के बारे में पता करना है तो। तो चलो गाइस आज का 25 क्वेश्चन खत्म होता है, वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे पता है उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल तो है ही, आपको उम्मीद हो चाहे नहीं हो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना, क्योंकि आप एक से एटलीस्ट एक बार तो शेयर कर ही सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।